नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी प्रोडक्शन से। आज हम आपके कुछ सवालों का जवाब देंगे, जो कुछ कमेंट्स हैं जो डेली रूटीन में हमारे पास आ रहे थे, जो कि बहुत बड़े कमेंट्स हैं और उनके जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं भाई किन किन सवालों का हम आज जवाब देने वाले हैं। बारी से जो है सवाल नंबर जो पहला है, वाईफाई कनेक्शन फेल्ड। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों का मतलब ये कमेंट आता है भाई वाईफाई कनेक्शन फेल्ड आ रहा है उनको, या तो उनको DVR से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर उनके मोबाइल में जो है किसी वाईफाई को अटैच करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। पहला कारण रहता है भी अगर आपको लो कवरेज आ रही है, यानी कि सिर्फ एक या दो ही सिग्नल आ रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ में अगर आपकी जो इनक्रिप्शन है या फिर जो पासवर्ड है जो आपने पहले से सेव करके रखा है, और बाद में अगर वाईफाई का पासवर्ड डिफॉल्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है, तो आपको जो है वाईफाई कनेक्शन फेल्ड आ जाता है। और उसके अलावा तीसरा कारण भी हो सकता है ऐसा भी, मान लो जो सिक्योरिटी है दोनों डिवाइसेस की आपस में मैच नहीं कर रही है, जैसे WPA2, WPA PSK, EEP और इस तरह की बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी टाइप वो आपको चेंज करना पड़ेगा राउटर में। जिस डिवाइस से आप कनेक्ट कर रहे हैं वो कंपेटेबल नहीं रहती सिक्योरिटी टाइप, और उनका आपस में कंपेटेबिलिटी नहीं होती, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स आती है। कई बार जो है फ्रिक्वेंसी बैंड जो है वो भी अलग रहता है, आप वाईफाई के जो बैंड है वो उसमें ऑप्शन होती है, एक से लेकर कुछ आगे तक गिनती होती है, 14-15 तक शायद, तो उनमें से जो बैंड है वो बैंड जो है सपोर्ट नहीं करते डिवाइसेस में, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इन सब कारणों की वजह से वाईफाई कनेक्शन फेल्ड होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मतलब जो है सभी के आंसर मिल गए होंगे। तो दूसरा सवाल जो हमारे को आ रहा है, कैन नॉट फाइंड द नेटवर्क होस्ट। यहाँ दोस्तों ये एरर ज़्यादातर NVR DVR में आता है, जब हम IP कैमरा जोड़ते हैं या फिर हमारी जैसे वेबसाइट वेबसाइट अगर नहीं चलती है या इंटरनेट कनेक्शन हमारे को दिखा रहा है बट नहीं चल रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है। जी हाँ, सबसे पहले बात की जाए DVR NVR में, तो ये मेनली रीज़न है IP कन्फ्लिक्ट का, यानी कि IP कन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं, या आपस में जो नेटवर्किंग है वो ना चलने का ये कारण है, जिसमें सबसे पहले हमें राउटर से चेक करना पड़ता है डिवाइस को, यानी कि एक स्विच से डिवाइस को चेक करना पड़ेगा भी वो आपस में जुड़े हैं कि नहीं है। तो मेन है स्विच में जो ऐसा होता है भी किसी भी डिवाइस का एक लाइट जलती है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो डिवाइस की लाइट जब जलती है, तो जब डिवाइस की लाइट जलती है तो उसमें ये पता लग जाता है भी ये डिवाइस काम कर रहा है, तो ब्लिंक होता है स्विच में, तो इसका मतलब है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब जो है ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है। सबसे पहले तो हमें वायर ही चेक करनी पड़ती है भी हाँ कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, भी उनका डिवाइस का आपस में कनेक्शन है या नहीं है, डिवाइस हमारा ऑन है या नहीं है, यानी कि कैमरा हमारा ऑन है या नहीं है, या DVR ऑन है या नहीं है, या उनका आपस में नेटवर्किंग में कोई वायर तो नहीं खुल गई है। उनका जो IP की रेंज है, जैसे मान लो एक IP रेंज जिसको बोलते हैं, जैसे एक ही रेंज में एक ही पूल में जो IP रहते हैं, जैसे DVR का IP रहता है जैसे 192.168.1.1 वाली सीरीज में चल रहा है या 2.1 वाली सीरीज में चल रहा है, तो जो कैमरास हैं उनका भी सेम IP रेंज में ही रहना चाहिए, या आपको किसी और डिवाइस में अगर उसे एक्सेस करना है उस सेम नेटवर्क में, तो उसका भी सेम पूल में ही होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है ये प्रॉब्लम आती रहती है। और अगर डिवाइस ऑफलाइन हो रहा है बार बार, उसको पावर प्रॉपरली नहीं मिल रही है, यानी कि कई कैमरे हमने ऐसे लगाए थे जहाँ पे उनको पूरा एम्पेयर नहीं मिल पा रहा था, तो हमारे दूरी तो सिर्फ 5-10 मीटर थी, लेकिन फिर भी हमारा वो कैन नॉट फाइंड द नेटवर्क होस्ट बार बार प्रॉब्लम आ रही थी, तो बाद में हमें कैमरे चेंज करने पड़े, कुछ ब्रांडेड कैमरे लगाने पड़े। कुछ लोकल कंपनी में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर एक बार नहीं चल रहा है तो उसका कोई एरर नहीं है, वो डिवाइस ही ख़राब होता है, यानी कि कैमरा DVR जो है, जो भी आपको जो है बेटर सोल्यूशन ये भी डिवाइस चेंज करके ही जो है पता लगता है, हर एक चीज़ को बार बार से चेंज करके जो है सोल्यूशन मिलता है। ये सारी ट्रबल शूटिंग जो है वो तो करनी ही पड़ती है, जो भी इंस्टॉलर वगैरह होते हैं वो सब ये करते हैं। तो उसके बाद जो एरर आता है वो है पासवर्ड एरर या यूज़र लॉक। हाँ दोस्तों, ज़्यादातर हमारे DVR NVR और जो भी डिवाइसेस हैं उसमें हम पासवर्ड डालते हैं, तो उसमें एरर आ जाता है या फिर जो है हमारा यूज़र लॉक हो जाता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च मतलब जो है सर्च करते हैं मतलब लोग जो है, और साथ में कमेंट्स भी आते हैं। तो इसका जो मेनली कारण होता है वही है भी, जो पासवर्ड अगर हम गलत डाल रहे हैं या हो सकता है भी हम कुछ और टाइप कर रहे हों और कुछ और टाइप हो रहा हो, तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, या हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो भी हमारा जो है फिर जो ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो यूज़र लॉक का मेनली कारण यही है भी, अगर हम पासवर्ड तीन बार जो है गलत डाल देते हैं, या कुछ टाइम उसमें होता है हर एक यूज़र में, हर एक लॉगिन सर्वर में, जैसे DVR में मान लो या कंप्यूटर में जो है अलग पासवर्ड जब हम डालते हैं तो लिमिट होती है भी कितनी बार हम डाल सकते हैं, तो उसके बाद जो है फिर वो यूज़र लॉक हो जाता है, अगर हम उसका पासवर्ड बार बार से ट्राई करेंगे गलत, वो जो डिवाइस है या तो उसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा या फिर हमें किसी और यूज़र नेम से उसे ट्राई करना पड़ेगा, तो या फिर हमें जो है सही पासवर्ड से ही ट्राई करना चाहिए, तो ही मतलब इसका सोल्यूशन मिल पाता है, या फिर हमें जो है रीसेट करना पड़ता है मतलब पासवर्ड, तो उसमें एक फॉरगेट पासवर्ड या रीसेट की ऑप्शन रहती है, तो आई बटन में वीडियो है कैसे हम रीसेट या फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं किसी DVR NVR का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर था। टॉपिक है हमारे पास वो है, हम वाईफाई राउटर के पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं।
रीसेट कैसे करते हैं, अगर सिम उसमें नहीं चलता है तो क्या हम कर सकते हैं, क्या मतलब जो है सोल्यूशन मिलेगा इसका। तो दोस्तों यहाँ आई बटन में एक वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं, इसमें हमने कुछ बेसिक कॉफ राउटर के अंदर जो वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, आईपी एड्रेस कैसे चेंज करते हैं, रीसेट कैसे करते हैं, वो बेसिक आइडिया दिए हैं। नॉर्मली सभी राउटर्स में इसी तरह से ही मैनेज होता है, सभी में ऑप्शन होती है, तो उस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। रही बात सिम नॉट डिटेक्ट करने की, तो सबसे पहले तो हमें दूसरी सिम लगा के चेक करना चाहिए भी हाँ भी कहीं हमारी सिम में तो नहीं है कोई दिक्कत, कहीं सिम में ज़्यादा स्क्रैच हो तो नहीं चलते हैं। दूसरा, अगर सिम चल रही है और नेटवर्क नहीं आ रहा है तो अलग बात है, अगर सिम ही नहीं चल रही है, सिम नॉट डिटेक्टेड आ रहा है तो फिर समझ लीजिए या तो सिम खराब है या तो राउटर में ही प्रॉब्लम है। तो यही इसका सोल्यूशन है, या तो राउटर चेंज कीजिए या तो सिम चेंज कीजिए। हाँ, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो एपीएन एड्रेस हम मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, जैसे कि वीआई की सिम आप यूज़ कर रहे हैं, आइडिया, वोडाफोन या बीएसएनएल या एयरटेल, जियो, जो भी आप सिम यूज़ कर रहे हैं उनका एपीएन एड्रेस मिल जाता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो है जिसमें आप सभी के एपीएन एड्रेस देख सकते हैं, और अगर आपको मैनुअली सेट करना पड़ता है एपीएन एड्रेस तो आप सेट कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादातर ही डालनी पड़ती है, जैसे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह या कुछ भी होता है, ऑथेंटिकेशन वगैरह नन वगैरह ही नॉर्मली बिना किसी सेटिंग से चल पड़ती है। तो ये सब सेटिंग्स थी मतलब जिससे सिम से रिलेटेड और राउटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। और पांचवी प्रॉब्लम क्या है, 4G राउटर डिस्कनेक्ट। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली जो लोग राउटर खरीदते हैं उसमें उनको ये प्रॉब्लम भी आती है, और काफ़ी सारे सवाल जो है लोग कमेंट करते हैं भी उनका जो राउटर है बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, या फिर उनकी रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, या नो इंटरनेट आ रहा है। जी हाँ, ये सब एरर्स आते हैं। जब ये एरर आता है तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है भी आपका कहीं डाटा पैक तो नहीं ख़त्म हो गया है, या आपकी जो डेली की लिमिट है ना जितने डाटा की, वो तो नहीं ख़त्म हो गई है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो यही चेक करना चाहिए, उसके बाद आपको चेक करना चाहिए भी कहीं आपके जो राउटर में जो सिग्नल नेटवर्क जो आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि अगर नेटवर्क नहीं आ रहा होगा तो नेटवर्क जो है 4G डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि नो इंटरनेट आपको आएगा। और साथ में दूसरी बात है, अगर आपकी सिम जो है अगर उसमें कहीं से राउटर हिल गया है या कुछ गड़बड़ है कहीं से, कई बार जो है राउटर हीट हो जाते हैं तो इसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। कुछ राउटर्स में नेचुरली जो है इनबिल्ट प्रॉब्लम भी रहती है, अभी कुछ देर बाद चलने के बाद जो है वो बंद हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादातर हो जाती है कई बार। तो आपको बारी बारी से सब चीज़ें चेक करनी है, पहले तो भी हाँ भी आपका जो नेट पैक तो नहीं ख़त्म हुआ है, दूसरा फिर उसके जो है सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं प्रॉपरली जो 4G के हैं, और उसके बाद अगर उसके जो एंटीना वगैरह लगा के रखे हैं वो प्रॉपरली लगे हैं नहीं लगे, राउटर को रीस्टार्ट करके देखना पड़ता है ऐसी पोजीशन में, तो मोबाइल को भी वाईफाई से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना पड़ता है, तो इस तरह से ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। कई बार जो है राउटर अगर हीट है तो फिर उसको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है उसके लिए। तो इस तरह से मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। अगला जो टॉपिक है, वाईफाई की रेंज या 4G की रेंज की प्रॉब्लम। दोस्तों कई लोग बोलते हैं राउटर लिया है बट चलता नहीं है और रेंज नहीं आ रही है, सिग्नल बहुत कम है, DVI बहुत कम है, तो ये तो नेचुरल सी बात है भी, अगर आपके घर में 4G का सिग्नल नहीं आ रहा तो आप राउटर लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो नॉर्मली हम जितने भी राउटर वगैरह जो है सजेस्ट करते हैं वो ज़्यादातर आउटडोर रहते हैं, अगर आप इंडोर लेते हैं तो उसके लिए एक्सटर्नल एंटीना रहता है, तो ये सबसे बड़ा अच्छी बात है भी, जिसमें मतलब आपको जो है एक्सटर्नल एंटीना या बाहर की जो फुल रेंज है वो कवरेज मिलती है। वैसे तो हमने काफ़ी ज़्यादा आपको टेस्ट भी करवाए हैं, जैसे LPD एंटीना और बाकी ओमनी एंटीना को जो है छत पर लगा के किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं सिग्नल को, वो सब चीज़ें जो है इसका सोल्यूशन है, और अगर आपके घर में रेंज नहीं आ रही। और दूसरी बात आती है, अगर आपके वाईफाई की कवरेज कम है तो आपको सिंपल सी बात है भी, जो वाईफाई का एंटीना है वो प्रॉपरली तरीके से काम नहीं कर रहा, आपके राउटर में प्रॉब्लम है। कुछ राउटर्स में कुछ पावर की ऑप्शन भी रहती है भी, वाईफाई की सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी लो रखनी है या हाई रखनी है, तो वो भी ऑप्शन होती है। उसके अलावा अगर आपके राउटर में ही कुछ प्रॉब्लम है वाईफाई की, तो फिर आपको एक्स्ट्रा राउटर खरीदना पड़ता है। नॉर्मली आजकल तो बहुत कम दाम में 500 से 1000 के बीच में जो है एक एक्स्ट्रा वाईफाई राउटर मिल जाता है, रेंज एक्सटेंडर मिल जाते हैं, जिसमें जहाँ पे आपकी वाईफाई की रेंज नहीं पहुँच रही है वहाँ पे आप एक्स्ट्रा राउटर लगा के रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर लैन केबल लगा के जो है राउटर लगा के जो है दो वाईफाई नेटवर्क को आपस में जोड़ सकते हैं, यानी कि दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ सकते हैं और आप अपने डिवाइसेस का जो कवरेज है वो बढ़ा सकते हैं, कि 4G की और वाईफाई की कवरेज बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से वाईफाई की कवरेज और 4G की कवरेज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सोल्यूशन है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास सातवां, ये एक 4G कैमरे से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को हमने 4G राउटर्स बेचे थे और लोग और जगह से भी खरीदते हैं, तो उनको कनेक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली 4G राउटर्स में क्या होता है, जैसे जो सर्वर होता है ना उनका, जो जिसकी जो ऐप है उसका जो सर्वर है वो बहुत डाउन रहता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लो हाँ आप अपने कैमरे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, फेल्ड आ रहा है, टाइम लग रहा है, या ऑफलाइन आ रहा है, तो ये ज़्यादातर जो है सर्वर रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें कैमरे की कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, अगर आपको लगता है भी आपका डाटा पैक ख़त्म हो गया या नेट पैक नहीं चल रहा या कैमरे में आपको लगता है भी इंटरनेट की डिस्कनेक्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सब चीज़ें जो आपको मैंने पहले डिस्कनेक्ट की प्रॉब्लम बताई है या कोई और प्रॉब्लम्स बताई हैं उनसे रिलेट कर सकते हैं। एक राउटर को एक 4G कैमरे से रिलेट करके जो है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं अपने ऐप में जो मोबाइल आपने लिया है 4G कैमरा उसमें भी क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उस तरीके से जो है बारी बारी से ट्रबल शूट में जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ही आपको जो है पता लग पाएगा भी आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। दोस्तों, अब आठवां टॉपिक जो सवाल जो आता है इसमें आता है DVR की रिकॉर्डिंग जो है कैसे डिलीट करें। जी हाँ दोस्तों, लोग हमारे को अक्सर पूछते हैं भाई अगर मान लो कुछ उनके हार्ड डिस्क में जैसे DVR की या NVR की हार्ड डिस्क में रिकॉर्डिंग सेव है, या तो उन्हें निकालनी पड़ती है या तो कुछ कई बार जो है उनको डिलीट करनी पड़ती है, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या हम कुछ फाइल जो है कुछ हिस्सा जो है उसका डिलीट कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो उसका जो फॉर्मेट है हार्ड डिस्क का वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से या हमारे जो डिवाइसेज हैं जैसे हम विंडोज़ एंड्रॉयड या iOS वगैरह सब में यूज़ करते हैं तो उनके साथ कंपैटिबल नहीं है, तो उसमें उसे देख पाना या उसके फाइल फोल्डर को वॉच कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो है एडवांस टेक्निकल टेलनेट वगैरह या कुछ भी है तो उस तरीके से जो है हैकिंग कही जा सकती है अगर मान लो ऐसा कुछ करते हैं लोग, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मली लैंग्वेज में हम बताएं तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, और अगर होता भी है तो ये इलीगल है, क्योंकि इसमें अगर आप किसी की मतलब जो है किसी मतलब जो है चोरी डकैती या कुछ मतलब मिस हैपनिंग को जो है अगर आप सेव नहीं करते हैं या उसको मतलब जो है फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो है आपके ऊपर मतलब जो है एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि आपने उसको जो है वॉश किया है, क्योंकि आपने उस घटना को होने के लिए जो है की है। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब मानी जाती हैं। वो जो टॉपिक है जो सवाल हमारे को आ रहा है तो उसमें आ रहा है भाई क्या हम DVR में एक से ज़्यादा कैमरे चला सकते हैं, जबकि DVR में तो मतलब एक ही लैन पोर्ट होता है, यानी कि IP कैमरा जो है DVR में कैसे चलाएंगे, ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों को आता है। यहाँ पे आई बटन में एक वीडियो है जिसमें हमने आपको बताया है भाई दोवा या DVR CP+ के DVR में किस तरह से उनको IP में चेंज करते हैं कुछ कैमरास को, उसके बाद किस तरह से IP कैमरा चलाते हैं इंस्टॉल करते हैं, वो भी यहाँ पर आई बटन में टॉपिक है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, और जिसमें हम DVR को एक IP कैमरा NVR में कन्वर्ट करते हैं और मल्टीपल्स कैमरास को लगाने के लिए स्विच यूज़ होता है, जिसमें नॉर्मली मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो उसमें स्विच में एक सीधी सी बात होती है भी किसी एक पोर्ट में जब हम लैन केबल लगाते हैं तो बाकी के जो पोर्ट्स हैं वो उससे बातचीत कर सकते हैं, यानी कि उनका एक ही IP रेंज में जैसे रहता है ना 192.168.1. से लेकर 255 तक, जो ये लगभग 255 डिवाइस जो है आपस में बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मतलब नॉर्मली लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाना चाहूँगा भी, आप इतने डिवाइसेस जो है एक नेटवर्क में जितने मर्जी स्विच लगा के आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, और दूरी की बात की जाए कितनी दूर तक लगा सकते हैं तो नॉर्मली हमने ज़्यादातर जो है 150 मीटर तक Cat6 केबल जो है D-Link ईथरनेट केबल जो है अच्छी क्वालिटी की जो है वो हमने चलाई है, लेकिन नॉर्मली बात की जाए तो 90 मीटर या 100 मीटर तक ही जो है सही तरीके से डाटा चलता है। ये तो रेयर चांसेस है जहाँ पे बिल्कुल ही मतलब फार अवे की बात है, लेकिन दोनों तरफ हमें स्विच लगाने पड़ते हैं ताकि वो आपस में हाई क्वालिटी में हाई ट्रांसमिशन कर सकें, क्योंकि स्विच की जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से जो है मल्टीपल्स कैमराज को हम DVR NVR में जोड़ सकते हैं स्विचेस के मदद से, तो इस तरह से है। और पावर देने के लिए नॉर्मली POE स्विच भी आते हैं इसी तरह में, जिसमें हम पावर देते हैं कैमरे को POE स्विच से और नॉर्मल जो डिवाइस है उनको देते हैं हम अपलिंक वाले पोर्ट से, और इस तरह से करते 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 हम मल्टीपल जितने मर्जी डिवाइसेस को आपस में जोड़ सकते हैं, नेटवर्किंग बड़ी करते रहते हैं और ज़्यादा दूरी के लिए जो है बीच बीच में गैप बना के बीच बीच में स्विच लगा के हम आगे तक पहुँच सकते हैं। तो ये स्लो नहीं होता है, बिल्कुल कम जो है मतलब डाटा लॉस होता है इसमें, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो इस तरह से हम जितना मर्जी 100 Mbps तो नॉर्मली हमारे को मिलती है लैन पे, तो अगर GB इथरनेट स्विच लेंगे तो 1 Gbps मिलेगी, तो डाटा लॉस हमारा तो कैमरा 2-3 Mbps से 4 Mbps तक लेगा, तो बहुत कम रहता है। तो इस तरह से हम जो अपनी नेटवर्किंग है इस तरह से एक्सटेंड करते हैं। और नॉर्मली आज हमारे को एक कमेंट आया था किसी ने 250 मीटर दूर जो है कम से कम जो है नेटवर्किंग पहुँचानी थी, तो उसके लिए दो सोल्यूशन है, एक तो हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट IP कैसे जो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करते हैं ये वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से दो साइटों को आपस में कैसे जोड़ते हैं उसको UBNT एंटीना या TP-Link के CP या अलग अलग टाइप के जो है CP राउटर ले सकते हैं आप, या फिर फाइबर ऑप्टिकल्स के साथ जो है मतलब कुछ वीडियो है हमने आपको बताया जिस तरह से फाइबर ऑप्टिकल मीडिया कन्वर्टर वगैरह यूज़ होते हैं, या इस तरह से जो है आजकल तो SFP पोर्ट वाले जो है POE स्विचेज भी आ चुके हैं या स्विचेज आ चुके हैं, उनको यूज़ करके जो है हम फाइबर से कम नॉर्मली बात की जाए तो फाइबर 120 किलोमीटर तक भी चलती है, तो इस तरह से जो है
हम मल्टीपल्स लोकेशन को आपस में जोड़ सकते हैं ज़्यादा दूरी तक। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। और एक सबसे बड़ा चीज़ जो ये भी सवाल आता है कुछ लोगों का भी, हाँ भी हम अगर मान लो यहाँ पे इस लोकेशन पे हमारे पास कुछ कैमरे हैं और दूसरी लोकेशन पे भी कुछ कैमरे हैं, तो जी हाँ दोस्तों अगर आप DVR लगाते हैं आपस में तो आपस में एक तरह से जैसे नेटवर्किंग के डिवाइस आपस में एक बात करते हैं, वैसे ही जो है IP कैमरे की तरह से जो है 2 DVR होते हैं, उनके साथ जितने कैमरे लगे हैं वो उनके चैनल्स हो जाएंगे। जी हाँ एक ही IP एड्रेस पे जो है लगभग 16 चैनल का DVR यूज़ हो जाएगा, उसमें हम अलग अलग पॉइंट पे जो है अलग अलग कैमरे को स्विच कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन में है, वो वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हमने मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्शन किया और आपस में कनेक्ट किया है और इस तरह से नेटवर्किंग वगैरह रहती है। तो इतनी सारी वीडियोस हमने बना के रखी हुई है, वैसे भी जो है लोगों के सवाल आते हैं लेकिन हमारी हमने तो हेल्प करनी है, हमने जो चैनल बनाया है इससे हम भी ग्रो करेंगे आप भी ग्रोएंगे। तो इस तरह से अगर आपका भी कोई सवाल है तो अगली इस ऐसी वीडियो में आप तो आप हैशटैग यूज़ कर सकते हैं आस्क नामधारी, तो उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, तो उससे क्या होगा हम आपको जो है प्रॉपरली गाइड करेंगे। और आने वाले टाइम में हम ये भी आपको जो है एक तरह से अनाउंस करने वाले हैं, हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, हमारा बहुत ज़्यादा प्यार रहा आपका, मैं आशा करता हूँ मतलब जो है आप इसी तरह से प्यार करेंगे। और मैं ये भी देख रहा हूँ भी जो हमारे सब्सक्राइबर है वो भी बढ़ रहे हैं, मतलब जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अभी लगभग सिर्फ 10% लोग हैं जिन्होंने हमारे को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, और नॉर्मली 90% जो लोग हैं जी सिर्फ सिर्फ हमारे को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगा उनसे भी अपना प्यार दें, हमारे को सब्सक्राइब करें ताकि जो है हमारा जो 10,000 जो दिखाई दे रहे हैं वो हो जाएं 1 लाख। तो ये टारगेट है हमारा, मतलब जो है इस साल में हमने सोचा है भी ऐसा करेंगे, तो कोशिश तो करेंगे बाकी देखते हैं क्या होता है। आप सबकी मतलब जो है हमारे को साथ चाहिए और ये सब चीज़ें हैं। और अगर आप हमारे को अच्छा प्यार देते हैं, इस वीडियो के ऊपर भी प्यार देते हैं, तो हम क्या करेंगे हर वीक में एक दिन जो है लगभग 2-3 घंटे जो है 2 घंटे आपको या 1 घंटा जो है प्रॉपरली लाइव दे सकते हैं जिसमें आपकी रिमोट प्रॉब्लम्स को जो है हम सॉल्व करेंगे लाइव। जी हाँ बिल्कुल, आप रिमोट एक्सेस हमारे को दे सकते हैं और जिसमें हम आपका जो है जो भी आपकी साइट में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आप कस्टमर हो चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो हम आपको जो है ऑनलाइन जो है आपको हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। सिर्फ वो पर्टिकुलर टाइम रहेगा, कौन सा दिन रहेगा क्या दिन रहेगा वो हम डिसाइड कर लेंगे, या आप कमेंट करके बताइएगा हम डिसाइड कर लेंगे वो दिन जो है, ताकि जो है आपको भी सूटेबल रहे हमारे को भी सूटेबल रहे और दिन का टाइम होगा ताकि आप कस्टमर को अटेंड कर सकें और आपको हमारे से रिमोट हेल्प ले सकें। तो इस तरह से मतलब जो आने वाले टाइम में हम जो है करने वाले हैं, उसमें फिर देखते हैं आगे चल के कैसे कैसे आगे जो है और भी हम ग्रो कर सकेंगे। इतना ही बताते हैं, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।